हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सुगम और मेरे चैनल पर फिर से एक बार आपका स्वागत है। तो अगेन मैं आज एक वेट लॉस का टॉपिक लेके आई हूं, लेकिन ये वेट लॉस का टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि मैं अभी तक आप लोगों से बता दी थी कि खाली पेट ये करिए या फिर बिफोर बेड ये करिए, लेकिन आज मैं आप लोगों को एक ऐसी चीज़ बताऊँगी जो आपको आफ्टर ब्रेकफास्ट, आफ्टर डिनर एंड आफ्टर लंच करना है, जिससे कि जो कुछ भी आपने खाया होगा ये क्या करेगा, उससे अच्छी चीज़ों को एब्जॉर्ब करेगा, देन जो भी ख़राब चीज़ें हैं उसे फ्लश आउट करके आपकी बॉडी से बाहर निकालेगा, पेट को ऑल ओवर बहुत अच्छे से साफ करेगा, साथ ही साथ पेट में एक ठंडक भी देगा। और गर्मियां हैं तो जिनको भी पिंपल्स की प्रॉब्लम रहती हैं, जिनको भी गर्मी की वजह से और सारी स्किन प्रॉब्लम होती हैं, तो ये जो चीज़ है ये उसको भी क्योर करेगा। यानी कि अगर गर्मी की वजह से आपको पिंपल की प्रॉब्लम हो रही है, गर्मी की वजह से आपको कब्ज की दिक्कत रहती है, गर्मी की वजह से आपको पाइल्स की दिक्कत रहती है, गर्मी की वजह से आपका पेट क्लीन नहीं होता है, या गर्मी की वजह से आपको स्किन प्रॉब्लम हो जाती है, तो ये आपकी बॉडी को कूल रखेगा। यानी कि जस्ट लाइक कूलर का काम करेगा आपकी बॉडी में। और इसे एक महीने तक आप लीजिए, मैं गारंटी देती हूँ कि आपका ये जो कोने कोने के बॉडी से कोने कोने से गंदगी को खींच के ये बाहर निकाल देगा और बहुत अच्छा वेट लॉस करेगा। और जो मैंने इसका इफेक्ट देखा है, अगर मैं पर्सनली बोलूँ तो इसका इफेक्ट सबसे ज़्यादा आपके पेट और जांघों पे आता है, क्योंकि लोअर पार्ट में ये सबसे ज़्यादा बहुत अच्छे से फर्क करता है। और आप जांघों की चर्बी भी बहुत तेजी से मेल्ट होगी, पेट की चर्बी बहुत तेजी से मेल्ट होगी, और बॉडी को कूल डाउन भी रख, मतलब ये सब करते हुए भी बॉडी को कूल डाउन रखेगा, आपको पिंपल्स की प्रॉब्लम नहीं होने वाली। जैसे लोग बोलते हैं कि गर्म चीज़ें मैं नहीं खा सकती क्योंकि मुझे पिंपल की प्रॉब्लम होती है, तो आप इसको आराम से खा सकते हैं। दो तरीके बताऊंगी खाने के, जिस तरह से भी आपका लेने का मन हो आप ले सकते हैं। और एक बात जरूर ट्राई करिएगा, यानी कि और 1 मंथ तक पूरा 1 मंथ तक लीजिए, गैप कर दीजिए, फिर आप 1 मंथ तक लीजिए। इससे आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम में भी बहुत रिलीफ मिलेगा, जिनको भी गैस की दिक्कत रहती है उससे भी काफ़ी अच्छा इफेक्ट, मतलब बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और उसके बगल में जो बेल आइकन लगी है उसे प्रेस करना ना भूलें। और हाँ, जैसे मुझसे बहुत सारे लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि मैम आपकी स्किन बहुत शाइन करती है तो आप क्या कर रही हैं इस समय, तो अगर आपको वो चीज़ जानना है तो फटाफट से मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा कि हाँ आपको ये चीज जाननी है, और साथ ही साथ मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं वीडियो की। तो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक पैन लेना है या कढ़ाई लेनी है, मतलब थोड़ा सा मोटी तरी वाला आपको बर्तन लेना है, उसे गर्म करना है। उसमें आपको 2 चम्मच सौंफ डालनी है। आपके पास अगर मसाले वाली हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मीठी वाली हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मीठी वाली है तो उसे आपको भूनना नहीं है, अगर सौंफ वाली है तो भूनना है। साथ ही साथ आपको 2 चम्मच इसमें अजवाइन डालनी है। उसके बाद आपको इसमें 2 चम्मच जीरा डालना है। मेजरमेंट सेम रहेगा, मैं फिर से बता दे रही हूँ, सौंफ, मीठी और जो मसालेदार दोनों चलेगी। मीठी वाली रहेगी तो आप उसे बिल्कुल भी रोस्ट नहीं करेंगे, और अगर मसाले वाली है तो आप इसे रोस्ट करेंगे। तो आपको इसे रोस्ट करना है, आई थिंक हर लेडी को पसंद होगा, लेकिन जिन जेंट्स को नहीं पता है उनको इस वीडियो में मैं बताना चाहूँगी कि जब ये हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने लगे, यानी कि आपको लो फ्लेम पे इसे चलाते रहना है, और जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना होने लगे, यानी हल्का सा चटकने ना लगे, इट मीन्स कि अभी ये रोस्ट नहीं हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसे रोस्ट करना है, और यकीन मानिए आपके पेट से जितनी भी गंदगी है ये ढूंढ ढूंढ के बाहर निकालेगा, डाइजेशन बहुत अच्छे से इम्प्रूव करेगा, और डाइजेशन इम्प्रूव होगा तो आपका मेटाबॉलिक रेट अच्छा होगा और आपका वेट ऑटोमेटिक लॉस होगा। तो यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ कि इस जो पूरे चीज़ ने है इसने धुआँ छोड़ना स्टार्ट कर दिया है, यानी कि ये रोस्ट हो चुका है, और ये सब कुछ आपको लो फ्लेम पे करना है। यानी आप कढ़ाई पहले अच्छे से गरम कर लो, देन उसके बाद लो फ्लेम कर दो, देन उसके बाद मसाला डाल लो सारे, और बहुत अच्छे से आप इसे मतलब चलाओ और रोस्ट कर लो, हल्का सा गोल्डन, मतलब बहुत ज़्यादा आप उसे जला मत दो वरना स्वाद नहीं अच्छा लगेगा। फिर उसके बाद आप गैस बंद कर दो। जब ऐसा हो जाए, गैस बंद करने के बाद आपको इसमें हाफ टेबल स्पून से थोड़ी, मतलब फुल टेबल स्पून भी नहीं, हाफ टेबल स्पून से थोड़ी सी ज़्यादा आपको इसमें हींग डालनी है,
बहुत मैजिकल वर्क करने वाला है ये आपके पेट पे। एक बार आप ज़रूर इसे ट्राई करिएगा, पेट की प्रॉब्लम जिनको है वो भी, पेट की प्रॉब्लम जिनको नहीं है वो भी। और इसके बाद आप इसे ग्राइंड कर लीजिए, अगर आपके घर में ग्राइंडर नहीं है तो आप इसे बेलन की हेल्प से भी, जहाँ पे आप रोटी सेकते हो जिस पे भी या जिस प्लेटफॉर्म को भी आप यूज़ करते हो वहाँ बेलन से आप कस के एक बार दबा दीजिए, ये उसमें भी पिस जाएगा। और अगर मिक्सी है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होने वाली आपको। तो इसे मैं थोड़ा सा कूल डाउन कर रही हूँ ताकि जो है वो पीसने में बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। तो हल्का सा कूल डाउन जब ये हो गया है देन आपको इसे अपने जार में ट्रांसफ़र कर लेना है। और इसे जो है वो कैसे कंज्यूम करना है वो भी मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगी। दो तरीके कंज्यूम करने के आपको मैं बताऊंगी, जैसे आपको सूटेबल हो आप वैसे इसे कंज्यूम करिएगा। तो इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि आपको इसे कंज्यूम कैसे करना है। तो आप इसे क्या करिए, मिक्सी में आपको इसे बहुत अच्छे से डाल के पीस, आप चाहे मोटा पीस हो पतला पीस हो ये आपके ऊपर है। तो यहाँ पे मैंने क्या है इसे रोस्ट कर लिया है, तो थोड़ा सा ये गर्म था तो कूल डाउन वैसे मैंने छोड़ा था लेकिन फिर भी मैं इसे कपड़े से पकड़ रही हूँ। तो ये देख सकते हैं आप धुआं उठ रहा है लेकिन फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप सके तो कूल डाउन होके ही करिएगा। तो मैं इसे डैप डैप इसलिए कर रही हूँ ताकि जितना भी ऊपर है वो नीचे निकल जाए। इसके बाद आपको गुनगुना पानी लेना है और एक टेबल स्पून भर के आपको इसमें डाल के पीना है। दूसरा तरीका ये है कि अगर आप हाथ में लेके चूरन खाना चाहो तो आप उसे भी खा सकते हो। जब भी आपको गैस की प्रॉब्लम हो तब भी आप ऐसा कर सकते हो, लेकिन अगर आप रेगुलर बेसिस पे ऐसा करोगे तो पेट बहुत अच्छे से क्लीन होगा, गैस की प्रॉब्लम नहीं होगी, मेटाबॉलिक रेट बहुत अच्छे से होगा और पेट की सारी गंदगी और आंतों की सारी गंदगी आपको बाहर निकालेगा। और आप वैसे भी ले सकते हो जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है। तो एक बार ट्राई करिए और जैसा रिजल्ट हो मेरे साथ आप जरूर शेयर करिए। ये जो चीज़ें मैंने बताई हैं ये हर घर में अवेलेबल हैं, नहीं अवेलेबल हैं तो जाइए आपके नियरेस्ट जितने भी लोकल मार्केट हैं, इजीली अवेलेबल प्रोडक्ट है, आप आसानी से लीजिए, बनाइए घर में, आप खा सकते हैं, आपको बच्चा खा सकता है, आपके जो भी बूढ़े मम्मी पापा हैं वो खा सकते हैं, आपके हस्बैंड खा सकते हैं, हर कोई इसे खा सकता है और वेट बहुत अच्छे से लॉस होगा। बच्चों को दीजिएगा अगर उनको पेट की दिक्कत रहती है, अगर पेट की दिक्कत नहीं रहती तो मत दीजिएगा। अगर पेट की दिक्कत रहती है या फिर कुछ लोगों के बच्चे थोड़ा सा ओवरवेट होते हैं तो उनको हाफ से भी हाफ टेबल स्पून दीजिएगा। तो अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलती हूँ बहुत ही जल्दी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।